देखिए जी, इस मतलब जो हमारा रूम में जो लगा हुआ लकड़ी का जो क्या बोलते हैं उसको, हमारा इधर कहते हैं जो कट, तो इसमें देखिए व्हाइट आंट लग गया है। व्हाइट आंट क्या क्या करते हैं व्हाइट आंट, वो सब देखिए व्हाइट आंट, मतलब ऐसे घर बार नहीं देखोगे ना, तो सारे वही गार्ड कब होते हैं, छीटी होते हैं कभी कभार, जो हमारा क्या बोलते हैं मकड़ी, मकड़ी का जाल भी होता है। एक बार नहीं करोगे तो मकड़ी का जाल क्या क्या सब हो जाता है। और वैसे तो साड़ी को ऐसे मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं पेटीकोट को ऐसे टक करके करोगे तो और भी अच्छा है, इजीली काम कर सकते हो। तो देखिए मैं करती हूँ साफ, नौकरी का साथ जाल तो साफ करना भी बनता है भाई।
वीक में ऐसे एक दो बार साफ नहीं होता ना, मकड़ी का जाल बहुत हो जाता है। मकड़ी का जाल तो इसी सीजन में बहुत होता है। हम जब ना हम मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, जब हम मैं हाई स्कूल में थी तो हम गांव में रहते थे। तो गांव में हम जब स्कूल गए थे हाई स्कूल का टाइम, जो क्या होता है ना, जो मॉर्निंग स्कूल जो होता है इसी सीजन में होता है। तो मॉर्निंग का भी तो होता है, मॉर्निंग में स्कूल जाना पड़ता है, 6:30 बजे तक जाना पड़ता है। तो उसमें हम खेत में होकर हमको चलना पड़ता है, क्योंकि रोड की हमारे सुविधा भी नहीं थी। तो हम जो जमीन मतलब जो खेत के अंदर मतलब दो साइड खेत है, हम बीच में हम जाते थे। तो बहुत मकड़ी का जाल हुआ करता था, मुझे याद आता है। उसी टाइम हर मतलब जिस जमीन पर हम जाते थे उस दोनों साइड में होकर जो मकड़ी है जाल बुन देता था, तो हम उसको क्रॉस करते करते जाते थे। तो मुझे अभी अभी भी मैं बेटी को बोलती हूँ हमेशा, जो इसी सीजन में बहुत होता है, कहते भी हैं क्यों इतना होता है, लेकिन इस सीजन में मकड़ी बहुत जाल बुनता है। जो खेत में है जो होता है ना, जो हमारा धान जो होता है, जो धान में मकड़ी का जाल बहुत हो जाता है। तो मुझे याद रह गया, कुछ कुछ तो याद रह जाता है स्कूलिंग का टाइम का। तो मैं बेटी को भी बताती हूँ, आजकल तो लड़कियाँ बच्चे क्या करते हैं ना, आजकल तो रोड का बहुत सुविधा हो गया ना, रोड में जाते हैं। हमारे टाइम तो हम चल चल के जाते थे, आधा किलोमीटर लगभग हम चल के जाते थे स्कूलिंग के टाइम। आजकल तो सब बच्चे क्या करते हैं, गाड़ी में जाते हैं, साइकिल में जाते हैं। हम बहुत परेशानी झेले हैं पढ़ाई के टाइम। साइकिल हम चल चल के पैदल में चल चल के जाते थे। आजकल के बच्चे तो बहुत सुविधा में जाते हैं, बहुत उनके लिए गाड़ी है, सब कुछ है। तो हमारे टाइम में कुछ नहीं, स्कूल भी बहुत दूर दूर में रहता था। आजकल तो हर गांव में स्कूल। गांव ऐसे तो मार्केट में बाज़ार में होता है, जो सिटी एरिया में वो सब होता है, लेकिन आजकल गांव में भी हर गांव में स्कूल हो गया है। बच्चे इजी से पढ़ लेते हैं, एजुकेशन इजी से उनको मिल जाता है। तो मेरा साफ सफाई भी हो गया, साफ सफाई के टाइम में मेरे स्कूलिंग के टाइम आपको बता दी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी रखती हूँ, अभी मैं क्या करती हूँ ना, अभी रखूँगी और मैं लॉन्च करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद फिर से सो। ऐसा मेरा जिंदगी में मेरा ऐसा चलता है, और क्या मैं बोलूँ। चलिए अभी रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।